जय श्री राम दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं अपकमिंग नोकिया स्मार्टफोन जो कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा हमारे इंडियन मार्केट के अंदर वीवो, रियलमी, रेडमी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं, पर इस स्मार्ट वॉच की स्क्रीन की बात करें वो आपको 5.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाने वाली है। बात करें तो इस स्मार्टफोन की, तो ये अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है जो कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर जनवरी के महीने में लॉन्च होने वाला है, यानी जनवरी 2025 के अंदर ये स्मार्टफोन हमारे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा। और इसे लॉन्च होने से पहले मैं आपको बता दूं ये स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है। तो इस स्मार्टफोन का नाम होने वाला है नोकिया X200 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाने वाला वो सभी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो यदि आपको भी एक नए स्मार्टफोन परचेस करना है वो भी आपके बजट रेंज के अंदर, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर वॉच करें। बात कर लेते मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 5.2 इंच का पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाने वाला है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाने वाली है। उसी के साथ इसमें आपको 720 पिक्सल का रेजुलेशन देखने को मिल जाने वाला, उसी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाने वाली है। छोटे स्मार्टफोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाने वाला। उसी के साथ इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6000 चिपसेट के साथ प्रोसेसर देखने को मिल जाने वाला, जो कि मिड रेंज के हिसाब से बढ़िया प्रोसेसर होने वाला, जिसके अंदर आप नॉर्मली गेमिंग आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको तीन मतलब कैमरा सेटअप देखने को मिल जाने वाला। पहला इसमें रियर साइड के कैमरे की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी लेंस मेन कैमरा देखने को मिल जाने वाला है, 8 मेगापिक्सल का इसका अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ आने वाला लेंस देखने को मिल जाने वाला। और तीसरा कैमरा होने वाला इसका 2 मेगापिक्सल जो आपको टेलीफोटो मतलब लेंस के साथ लेंस देखने को मिल जाने वाला। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाने वाला। उसी के साथ इसमें आपको कैमरे सेटअप के साथ इसमें आपको 10x की जूमिंग का फीचर भी देखने को मिल जाने वाला है, यानी कि आप 10x तक की जूमिंग करके इस स्मार्टफोन के साथ आसानी से फोटो और वीडियो आसानी से ले पाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको 6000 mAh की लिथियम पॉलीमर की बैटरी देखने को मिल जाने वाली है। उसी के साथ इसमें आपको 20 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाने वाला, जो कि दावा करता है 55 मिनट के अंदर आपको स्मार्टफोन को फुली चार्ज कर देने का। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो इस मिड रेंज के हिसाब से इस स्मार्टफोन के मेरे भारतीय मार्केट में प्राइस होने वाली अप्रोक्सीमेटली 7000 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक की प्राइस रेंज में आपको हमारे इंडियन मार्केट में अंदर अवेलेबल देखने को मिल जाने वाला। तो आज की वीडियो आप लोगों को किस लिए, वीडियो कमेंट उसमें अपने ओपिनियन और आपकी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे धमाकेदार और मजेदार टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी इसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसे धमाकेदार टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।